सुबह के लगभग अभी 6:40 हो रहे हैं और यहाँ पे देखिए पुष्पा चूल्हे वाले रसोई घर में गर्मा गर्म सुबह का नाश्ता बना रही है। तो आज के नाश्ते में देखिए क्या बन रहा है, मंडुए और गेहूँ की मिक्स रोटियाँ। तो हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर खाना सुबह का हो या दिन का या शाम का, सभी तरह का ना डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट चूल्हे पर ही बनाया जाता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और बढ़िया होंगे। फिलहाल मैं भी एकदम से मस्त हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, अभी 9:30 बज चुके हैं और आज के मौसम की बात करें सलन गांव के साइड की तो आसमान में काले काले बादल, सामने की ऊँची ऊँची पहाड़ियों पर खूब सारे लगे हुए हैं। इसी के साथ गुनगुनी धूप की किरणें भी निकली हुई है। बुआ के ससुराल में आज मेरा दूसरा दिन है और आज की मेरे इस नए ब्लॉग की शुरुआत हुई है बुआ के घर के साइड से। बाकी आज मॉर्निंग के टाइम पे काफ़ी सुहावना सा मौसम हो रखा है, प्यारी सी धूप भी खिली हुई है, इसी के साथ ठंडी ठंडी गुनगुनी मस्त सी हवाएं भी चल रही है। और अभी देखिए घर के सभी मेंबर्स अपने अपने कामों में बिजी हैं, बाकी मामा जी और तो यहाँ आंगन में बैठे हुए हैं। आजकल जैसे मामा जी की तबीयत खराब हो रही है, इस वजह से घर पर ना खूब सारे लोग आ रहे हैं, मतलब देखने के लिए, साथ में मेहमान भी आ रखे हैं। मॉर्निंग का हमने नाश्ता पानी भी कर दिया है, बाकी ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लोग ना खेतों में चले गए हैं काम करने के लिए। और आजकल बरसात के सीज़न में होने वाली काफ़ी सारी हरी सब्जियों को ना बुआ और ने यहाँ अपने किचन गार्डन में बो रखा है। इस खेत में देखिए मक्का भी बो रखी है और मक्का के पौधे आजकल खूब बड़े बड़े हो गए हैं। साथ में इसी क्यारी में ना मूली भी बो रखी है, तो ये पहाड़ी मूली है, इसकी जड़ें ना नीचे से गोल होती हैं। देसी मूली लंबी होती है तो इसके जड़ें गोल होती है और इसकी सब्जी खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती है भाई। और सामने के साइड इस वाले खेत में भी मक्का ही बो रखे हैं और आगे की तरफ यहाँ पर देखिए बड़े बड़े मिर्च के पौधे हैं, यहाँ पर मिर्चें बो रखी है। और सुबह के टाइम पर गोलू चला रहा है आंगन में अपना स्कूटर, अभी उठ रहा है ना गोलू। ए गोलू, गुड मॉर्निंग। और आज धूप लगी हुई है तो बुआ जी और उन्होंने देखिए सारे कंबल रजाए गद्दे वहाँ बाहर डाल रखे हैं धूप में सुखाने के लिए। आज मुझे सुबह सुबह ड्यूटी मिली है गोलू और अयांश को नहलाने की। नहाएगा गोलू? नहाएगा? नहीं मना कर रहा है। आप नहाओगे अयांश? नहीं? अरे वाह। के टाइम पे गोलू भी नहा लिया है और नहा धो के यहाँ आंगन में धूप सेक रहा है। और अभी के टाइम पे देखिए दिन बढ़ते बढ़ते मौसम फिर से खराब होने लग गया है। धूप देखिए बादलों के पीछे छुप गई है और माहौल अभी के टाइम पे ठंडा हो गया है। बाकी आज मामा जी आंगन में बैठे हुए हैं और देखिए क्या कर रहे हैं। ठीक तबीयत? तबीयत ठीक है? तो आज भी देखिए तबीयत पैरों में सूजन आ रही है मामा जी के, देखिए। तो अभी गाय के घी से मालिश की थोड़ी देर पहले, बाकी दवाइयाँ तो चल ही रही है। और आज दिन के टाइम पे मामा जी के लिए देखिए लंच में क्या बन रहा है, ये है लंगड़े की सब्जी। तो लंगड़े की सब्जी को ना 2-3 बार धोना पड़ता है क्योंकि इनमें होते हैं बाल भयंकर वाले, तो मामा जी ने सफाई कर दी है। और अब इन लंगड़ों की सब्जी को मैं काटने जा रही हूँ। पहले इनको 2-3 पानी से अच्छे से धो लेते हैं। बाकी यहाँ किचन गार्डन में इस मंडुवे के पौधे पे खूब सारी मंडुवे की छोटी छोटी बाल आने लगी है। और साथ में इसी क्यारी में ना ये टमाटर का पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है और इस पौधे पे खूब सारे टमाटर लगे हुए हैं भाई। ये देखिए साथ में खूब सारी फ्लावरिंग भी हो रखी है। तो चलिए जी, सब्जी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये जो लिंगड़े की सब्जी बनती है ना, इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। एक प्याज भी काट लेंगे लिंगड़े के साथ डालने के लिए। अच्छा,
मामा जी कह रहे खाना बोल पूरा बना दे ना, आज मेहमान आ रहे हैं, आज मामा जी का बड़ा वाला बेटा भी आ रहा है घर से, दिल्ली से, दिल्ली रहता है कि मेरठ रहता है मुझे कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन वो भी घर आ रहा है, मतलब मेरा बड़ा वाला भैया घर आ रहा है बुआ कलर का, उनके लिए भी खाना बनाना है बल्ला भी के टाइम, तो पहले फटाफट मामा जी के लिए बना लेते हैं। आजकल मामा जी चावल नहीं खाते, उनके लिए रोटी और सब्जी बनानी पड़ती है स्पेशली तीनों टाइम। अंदर से ला जी, मैंने लेंगड़े और करेले दोनों में एक सब्जी काट ली है। दस ही मिनट में गर्मा गर्म लेंगड़े और करेले की सब्जी बनके हो गई है रेडी। दिन बढ़ने के साथ साथ मौसम अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, ऊपर वाली ऊंची ऊंची पहाड़ियों से काले काले बादल इतने घने लग गए हैं कि बारिश आने की संभावना हो रखी है, साथ में तेज ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, और आजकल बरसाती सीजन में होने वाले फल फ्रूट खूब सारे सलोन गांव के प्रत्येक घर के अगल बगल इन पेड़ों पे लगे हुए हैं। सामने ये आड़ू का पेड़ है और इस पेड़ पे खूब सारे आड़ू के फल आ रखे हैं, और यहीं नीचे साइड यहाँ पे देखिए ये है पहाड़ी सेब का पेड़, तो इस पेड़ पे खूब सारे सेब आ रखे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, और ये सेब ना अब से लेकर 2 महीने बाद पक के तैयार हो जाते हैं हमारे पहाड़ों में, मतलब मेरे मायके वाले गांव और साथ में जहाँ पे बुआ का ससुराल है इस साइड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और ठंड के सीजन में होने वाले काफ़ी सारे फल फ्रूट के पेड़ यहाँ पर लोगों ने अपने अपने घरों में लगा रखे हैं, और ये जो फल है ना खूब ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे होते हैं, जैसे सेब हो गया, संतरा हो गया, और मौसमी हो गए, माल्टे हो गए, आड़ू, यही ज़्यादा फल यहाँ पे होते हैं, और नाशपति भी खूब सारी मात्रा में यहाँ पे उगते हैं। तो लीजिए, जिन मेहमानों का हम सब भी घर वालों को सुबह से इंतजार था, फाइनली वो भी घर पे आ गए हैं, यानी बुआ का बड़ा वाला बेटा नवीन आ रहा है आज घर, और साथ में पुष्पा रोड में सामान लेने के लिए भी गई थी, और उससे पहले पुष्पा गई थी खेतों में मंडुए की रोपाई करने के लिए, आजकल कंटिन्यू बारिश हो रही है तो इसलिए लोग अपने खेतों में मंडुए की रोपाई भी कर रहे हैं। तो गाइस, हम घर पहुंच चुके हैं, तो अभी देखिए आज बुआ का बड़ा वाला बेटा मतलब मेरा भैया आ गया है घर, क्योंकि मामा जी की तबीयत खराब हो रही है और देखने के लिए तो आना ही था, और साथ में देखिए क्या ला रखा है, फोटो फ्रेम बना के देखो, बहुत बढ़िया फोटो है। अभी 2 महीने पहले इन्होंने नई गाड़ी ली थी, तो उसी का फोटो फ्रेम बना के ला रखा है, मतलब कलेक्शन वाला। कमजोर क्यों हो रखा है? अबे यार कमजोर, गर्मी इतनी हो रही है, बहुत तगड़ी वाली तगड़े वाले है। कैसा रहा सफर? सफर मत पूछ, बहुत बेकार। क्यों? वहाँ से बस में धक्के खा खा के आ रहे हैं, तो भाई साहब गाड़ी अपनी जा रही थी कोटदार तक, तब मुश्किल हो गया, नहीं तक सही हो गए। अच्छा भाई साहब, बहुत बुरे हाल हो रहा है, सफर मेरे को ऐसा हो गया है, बन गया था, तो काला हो गया। अरे इन दोनों को देखिए, आते ही चॉकलेट मिल गई है ना, ले भाई पानी। दिन का टाइम है, अभी काम करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम सोच रहे हैं परवीन भाई के शादी की पेन ड्राइव देख लेते हैं, बाकी हम लोगों ने मतलब परवीन ने, सॉरी नवीन ने, कंफ्यूज हो जाता है सारे भाइयों के नाम में ना, तो पेन ड्राइव लगा दी है। थोड़ी देर हमने शादी की पैन ड्राइव देखी, और पैन ड्राइव में ना बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस आ रखी है, काफी मजा भी आया पैन ड्राइव देखते हुए। बाकी अभी टाइम हो गया है, दिन के 2 बजने वाले हैं, और लंच करने का टाइम भी हो गया है, और अभी हम लंच करने के लिए नीचे चूल्हे वाले रसोई घर में आ गए हैं, बाकी घर के सभी लोग ना अपने अपने कामों को
करके ना घर वापस आ गए हैं। जैसे कि पुष्पा पुष्पा गई थी खेतों में मंडवे की रोपाई करने के लिए, मतलब आजकल रोपाई का काम जोरों से चल रहा है तो खेती बाड़ी का काम भी जरूरी है भाई इसी सीजन में। तो अभी हम लोग किचन में आ गए हैं, तो चलिए जी अब ना टेस्टी से लंच का लुफ्त उठा लेते हैं। बोलो का पापा आया घर और बोलो मस्त हो गया है ना। तो आज के लंच में बना रखा है क्या बनेगा, आज के लंच में है चावल और कड़ी भाई, और साथ में सलाद निकाल रखा है, और इस बड़े से डोंगे में बना रखी है पुदीने की चटनी और हरी। इसको क्या खाके पैर रखा है। तो लीजिए पुष्पा ने मेरे लिए लंच की थाली भी परोस दी है। आज के लंच में है पहाड़ी स्पेशल कड़ी, साथ में चावल, और सामने देखिए इस कटोरी में बना रखी है चटनी। तो अब गर्मा गर्म टेस्टी सा लंच का आनंद ले लेते हैं घर के सभी फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस सबके सब खाने खाने आ जाओ इधर, और हम भी हमें खाना खाने स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए जी आपको अपन लंच करने के बाद थोड़ी देर बाद शाम आफ्टर को मिलते हैं। दिन का टेस्टी सा लंच करने के बाद हम सभी लोग ना आराम कर रहे थे, और अभी शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं। मैं तो थोड़ी देर पहले उठ गई थी 3 बजे के आसपास, और अयांश देखिए अब भी उठ रहा है। और अयांश को ना पता नहीं एलर्जी टाइप की हो गई, उसके ना यहाँ पेट पर खुजली हो रही है भयंकर, इतना ज़्यादा रो रहा था। देखिए इसके बैक में ना पूरी ऐसी रैसेस रैसेस हो गए, रेड रेड, और थोड़ी देर पहले तो ये इतने ज़्यादा मोटे फुंसी टाइप के हो गए थे। अभी देखिए मैंने इस पर डिटॉल लगा रखा है, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया इसका। और अयांश इतना ज़्यादा रो रहा था इन रैसेस की वजह से, है ना अयांश, खुजली हो रही थी इन पे है। मामा जी की तबीयत खराब है, तो काफी सारे गांव के लोग और जो रिश्तेदार है सभी देखने के लिए आ रहे हैं हाल समाचार पूछने के लिए मामा जी से, इसलिए हम जल्दी उड़ गए थे। बाकी बुआ की जेठानी भी आई थी थोड़ी देर पहले, उस टाइम पे मैं आपसे मिला नहीं पाई बुआ की जेठानी की, क्योंकि यहाँ पे ना लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइट ना बार बार चली जा रही है, और मेरे फ़ोन में ना मतलब चार्जिंग नहीं था, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो अब जाके लाइट आई है, और अभी तो मस्त गाने भी लगा रखे हैं, और हम तो घर पे हैं। बाकी घर के सभी मेंबर्स ना अपने अपने कामों के लिए फिर से इधर उधर चले गए हैं, और हमने कहा जाना बुआ में कहीं जाने ही नहीं दे रही। मैंने सोचा तो मैं भी खेतों के साइड जाऊंगी, लेकिन जाना हो ही नहीं पा रहा, बुआ जाने ही नहीं दे रही। वो कह रही अपने बेटे को देखभाल, इसको गिराना नहीं बिल्कुल भी। शाम का टाइम है, तो इस गांव की औरतें देखिए फिर से अपने इन मंडवे के खेतों में ना मंडवे की चौपाई करने चली गई हैं। और मौसम तो लगातार ख़राब हो रखा है, लेकिन आज ना मौसम सुबह से गुमसुम सा रहा, लेकिन बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ी। बाकी रात को आती है तो उसका कोई पता नहीं है, पहाड़ों के मौसम को कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बारिश आ सकती है। और यहाँ पे देखिए छोटे गमले भी रखे हुए हैं, और इन गमलों में देखिए गेंदे के खूब सारे पौधे हो रखे हैं, और पौधों का साइज अभी काफ़ी छोटा है, मतलब इन पौधों में फ्लावरिंग होने में काफ़ी टाइम लगेगा। और इस दूसरे वाले गमले में बैंगन के छोटे छोटे पौधे भी उगा रखे हैं 2-3, और 2 तो फूलों के ही हैं, इसमें भी सेम गेंदे के फूल हैं। और इस वाले गमले में पता नहीं कौन सा पौधा लगा रखा है। बाकी नीचे वाले खेत में तो मंडे की रोपाई का काम ख़त्म हो गया है, और अभी शाम का टाइम है, तो गांव के छोटे छोटे बच्चे फिर से इस जगह पर इकट्ठा हो गए हैं। बच्चों के खेल भी निराले होते हैं, हमारे पहाड़ों में छोटे छोटे बच्चे ना कुछ इस तरह से अपने शाम का टाइम ऐसे गुजारते हैं, मतलब सभी बच्चे ना एक साथ यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं और इन्जॉय करते रहते हैं। भाई मैं यहाँ पे परसों आ गई थी, और परसों भी कल भी और आज भी ये बच्चे ना इसी जगह पर खेल रहे हैं भाई। तो वही पहाड़ों में बच्चों का ना दिनचर्या बड़ा ही प्यारा होता है। अभी वो रखा एक डॉगी भी है, और डॉगी भी घूम घाम के अभी घर वापसी आ गया है। हेलो हेलो, पंजा दे दे, पंजा दे 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 दे। ये डॉगी इतना सीधा है कि पंजा ही नहीं दे रहा है ना, है रे। शाम का टाइम है, और आज बारिश नहीं हुई, और आज ना मामा जी और की पाइपलाइन पे पानी आ रहा है। तो मामा जी देखिए अभी के टाइम पे सामने वाली किचन गार्डन की इस क्यारी में ना मूली और मक्के की इन छोटी छोटी पौध में ना सिंचाई कर रहे हैं। बाकी बुआ गई है सामने बाथरूम के लेंटर में, और इस लेंटर में रखी हुई है सूखी लकड़ियाँ, बांझ बराड़ की। ये लकड़ियाँ पिछले साल की हैं, और इन्हें ना स्टोर करके ऐसे रखा हुआ था, और आजकल यही लकड़ियाँ जलाने के काम में इस्तेमाल आ रही हैं भाई। बाकी बच्चे तो गांव के मस्त से होके खेलने पे अभी तक भी लगे हुए हैं। और अभी के टाइम पे मैं यहाँ ऊपर बैठी हुई थी,
और मैं पता क्या काम करी थी अपने ब्लॉग एडिटिंग का, क्योंकि मैंने दो दिन से ना ब्लॉग नहीं डाले हैं और ब्लॉग ऐसे पेंडिंग पड़े हुए थे, एडिटिंग करने के लिए रह गए थे, तो एडिटिंग करने का काम भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और जैसे कि अभी शाम का टाइम हो गया है तो डिनर बनाने का हम लोग अब तैयारी करने लग गया है, और आज के डिनर में तो भाई बना रहा होगा पता नहीं क्या। तो चलिए ये अब चलते हैं नीचे किचन की ओर और देखते हैं भाई क्या बना रहा है अभी के टाइम पे। तो यहाँ देखिए सैफ साहब घर आते ही काम में लग गए, भाई भाई को कहीं भी चैन नहीं है। तो आज के डिनर में भाई क्या स्पेशल बना रहा है? चिकन आज बन रहा है, चिकन लेग पीस, चिकन राड़ा। और दूसरे गैस पे क्या चढ़ा रखा है? करेले। और दूसरे साइड बन रहे हैं मामा जी के लिए हरी सब्जी करेले की। तो ये देखिए बिल्कुल सैफ स्टाइल में बन रहा है आज खाना, तो है ना आज आज का खाना बहुत टेस्टी होने वाला है भाई, है ना, क्योंकि भाई बहुत ही बढ़िया शेफ है भाई। आजकल जैसे काफ़ी सारी बेल वाली सब्जियां उगी हुई है तो लोग अभी के टाइम पे जंगलों से ना ठंगरे काट के ला रहे हैं, यानी लकड़ी के सपोर्टर झगड़े। लोग ना अपने अपने काकड़ी के बेल साथ में राजमा की बेल इन सभी के लिए ना अंगवार ला रहे हैं जंगल से, और हमारे यहाँ अंगवार उस चीज़ को बोलते हैं जैसे ठंगरा, लकड़ी का सपोर्टर झगड़ा उसे बोलते हैं।